नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, गुजरात समरस छात्रालय में प्रवेश माटेनी जाहेरात छे ते आपी देवामां आवेल छे अने ऑनलाइन अरजी फॉर्म शुरू करी देवामां आवेल छे। तो प्रवेश विषय तमाम माहिती छे ते आजना वीडियो में मेळवशुं। वीडियो की शुरुआत करिए ते पहला वीडियो गमे तो अवश्य लाइक अने शेर करी देजो। चैनल में नवा होय तो अवश्य चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो। तो चालो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करिए। तो मित्रों, आज जाहेरात छे ते गुजरात समरस छात्रालय सोसायटी द्वारा आपवामां आवेल छे। समरस छात्रालय में प्रवेश माटेनी जाहेरात आपवामां आवेल छे। वधारे माहिती मेळवीए तो अहीं कॉलेज कक्षाना जे स्नातकना अभ्यासक्रम छे, अनुस्नातकना अभ्यासक्रम छे तथा जे अन्य उच्च अभ्यासक्रम छे, तो ते अभ्यास करता विद्यार्थीओ छे, पछी ते अनुसूचित जातिना विद्यार्थीओ होय, अनुसूचित जनजातिना विद्यार्थी होय, एसईबीसी एटले के सामाजिक अने शैक्षणिक रीते पछात वर्गना विद्यार्थी होय तथा आर्थिक रीते पछात वर्गना विद्यार्थी होय, तो ते विद्यार्थी अने विद्यार्थिनीओने वर्ष 2022-23 ना शैक्षणिक वर्ष माटे अमदावाद, भूज, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, आणंद, हिम्मतनगर अने पाटण खाते जे समरस कुमार अने कन्या छात्रालयों आवेल छे, तो ते छात्रालय में प्रवेश मेळवा मांगता होय तो ते विद्यार्थी पासेथी अरजी फॉर्म मंगावामां आवेल छे। मित्रों, अरजी फॉर्म छे ते तमारे ऑनलाइन भरवाना रहेशे। ऑनलाइन अरजी फॉर्म केवी रीते भरी शकाय तेना विशे एक अलगथी वीडियो अपलोड करीशुं। मित्रों, अहीं जे अरजी फॉर्म छे ते 30/6/2022 सुधीमां तमारे भरी देवानुं रहेशे अने अरजी फॉर्म कई वेबसाइटना माध्यमथी भरवानुं रहेशे तो samras.gujarat.gov.in नामनी जे वेबसाइट छे ते वेबसाइटना माध्यमथी तमारे ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरी देवानुं रहेशे। स्नातक कक्षाना तमाम अभ्यासक्रमों में कोईपण वर्ष के सेमेस्टर में जो विद्यार्थी ने प्रवेश मेळवो होय तो धोरण 12 टकावारी ने ध्यान में लेवामां आवशे। ज्यारे अनुस्नातक कक्षाना कोईपण अभ्यासक्रम में विद्यार्थी ने प्रवेश मेळवो होय तो स्नातक कक्षा में जे टकावारी मेळवेल छे ते टकावारी ने ध्यान में लेवामां आवशे। अहीं मित्रों, यूनिवर्सिटी में जे प्रवेश मेळवेल छे ते टकावारी ने आधारे ज अहीं प्रवेश आपवामां आवशे अने अहीं मेरिटना आधारे प्रवेश विद्यार्थी ने आपवामां आवशे। विद्यार्थीए ओछामां ओछा 50% के तेना करता वधारे गुण फरजियात मेळवेवा जोईए तो ज अहीं विद्यार्थी ने प्रवेश आपवामां आवशे। जो 50% करता ओछा मार्क मेळवेल हशे तो तेवा संजोगोमां समरस छात्रालयमां विद्यार्थी ने प्रवेश आपवामां आवशे नहीं। मित्रों, जे विद्यार्थी अगाउ समरस छात्रालय में रहे छे तो ते विद्यार्थी मित्रोए फरीथी छात्रालय में रहेवू होय तो तेवा रिन्यू विद्यार्थीओए पण फरजियात ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरवानुं रहेशे। अहीं मित्रों, तेमां कंडीशन शुं रहेशे तो तेमां जे ग्रुप 3 छे तो ग्रुप 3ना रिन्यू विद्यार्थीओ छे तो ते विद्यार्थी जो बीजा वर्षे पण छात्रालय में रहेवा मांगता होय तो तेमनी जे गत वार्षिक परीक्षा छे ते यूनिवर्सिटी मान्य गणतरी प्रमाणे छेला 2 सेमेस्टरनी टकावारी थई अने कुल 55% के तेथी वधारे गुण मेळवेल होवा जोईए। ज्या मित्रों टकावारी ने बदले ग्रेडेशन आपवामां आवतुं होय छे तो तेवा किस्सामां 55% के तेथी वधु समकक्ष ग्रेडेशन छे ते होवा जोईए। ज्यारे ग्रुप 1ना रिन्यू विद्यार्थी छे तो तेमना माटे ओछामां ओछा 50% तेओએ મેળવેલ હોવા જોઈએ તો જ તેમને બીજા વર્ષે અહીં છાત્રાલયમાં પ્રવેશ મળવા પાત્ર થશે। આગળ વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલ જે ઓનલાઈન અરજી છે તો અરજીના આધારે પ્રવેશ અંગેનો હક કે દાવો છે તે કરી શકાશે નહીં। ઓનલાઈન અરજીના આધારે પ્રવેશ માટેની પ્રોવિઝનલ એક મેરિટ યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે। મેરિટ યાદી પ્રસિદ્ધ થઈ જાય એટલે અહીં જે મિત્રો જે તે સંસ્થામાં વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ મેળવવો હોય તો તે સમરસ છાત્રાલય ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી છે તે વિદ્યાર્થીએ કરાવવાની રહેશે। ત્યારબાદ જ સંબંધિત સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ છે તે નિયત કરવામાં આવશે। એટલે કે મિત્રો, અહીં સૌથી પહેલાં તો પ્રોવિઝનલ મેરિટ યાદી વેબસાઇટ ઉપર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે। આગળ આપણે જે વેબસાઇટ જોઈ તે વેબસાઇટ ઉપર પ્રોવિઝનલ મેરિટ યાદી અપલોડ કરવામાં આવશે। તેમાં જે વિદ્યાર્થીના નામ આવે તો તે વિદ્યાર્થીએ તેમની જે સમરસ છાત્રાલય આવેલી છે ત્યાં જઈ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે અને ત્યાર પછી તેમને પ્રવેશ આપવામાં આવશે। જો કોઈ વિદ્યાર્થીની ઓનલાઈન ફોર્મમાં ભરેલ ટકાવારી છે અને અસલ માર્કશીટની ટકાવારીમાં તથા લાયકાત અંગેના પ્રમાણપત્રો અથવા વિગતોમાં તફાવત હશે તો તેવા સંજોગોમાં અરજદારનો પ્રવેશ છે તે રદ કરી દેવામાં આવશે। સમરસ છાત્રાલય જે જિલ્લામાં આવેલું હોય તે જ જિલ્લાની કોલેજો ખાતે વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતા હોવા જોઈએ। જો સમરસ છાત્રાલય જે જિલ્લામાં આવેલ છે પરંતુ વિદ્યાર્થી અલગ જિલ્લામાં અભ્યાસ કરે છે તો તેવા સંજોગોમાં વિદ્યાર્થીને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં।
समरस छात्रालय प्रवेश अंगेना जे नियमों छे अने वधारे जे विगतो छे ते आपणे आगळ वेबसाइट जोई ते वेबसाइट उपर दर्शावेल छे, जेनो संपूर्णपणे अभ्यास करी अने विद्यार्थीए ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे। वधुमां प्रवेश अंगेनी कोईपण जो माहिती तमारे जोती होय तो वेबसाइट उपर दर्शावेल संबंधित जिल्लामां जे आवेल समरस छात्रालय छे तेमनो संपर्क तमारे करवानो रहेशे। मित्रों, विद्यार्थी ग्राम्य कक्षाए रहता होय तो तेवा विद्यार्थीओ ई ग्राम मार्फते पण प्रवेश माटे ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरी शके छे अथवा तो ऑनलाइन अरजी फॉर्म जाते पण भरी शकाय छे। तो मित्रों, आ रीते गुजरात समरस छात्रालय सोसायटी छे तो तेमां वर्ष 2022-23 ना प्रवेश अंगेनी जाहेरात करी देवामां आवेल छे अने ऑनलाइन अरजी फॉर्म 30/6/2022 सुधीमां भरी देवानुं रहेशे। ऑनलाइन अरजी फॉर्म केवी रीते भरी शकाय तेना विशे एक अलगथी वीडियो अपलोड करीशुं। आशा राखुं छुं वीडियो पसंद पड्यो हशे। वीडियो पसंद पड्यो होय तो अवश्य लाइक अने शेर करी देजो। चेनलमां नवा होय तो अवश्य चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। फरी मळीशुं एक नवा टॉपिक साथे एक नवा ज वीडियोमां। त्यां सुधी जय हिंद।